हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी को जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और प्लीज़ जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं करूँगी एंजल मैसेज कि एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रीडिंग रहेगी हमारी, ठीक है, कि फाइनली किस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या अर्जेंट मैसेज है जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है, आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और कुछ भी निकल के आ सकता है, गाइडलाइंस हो सकती है, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैसेज ही है यहाँ पर, और ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आपको जब भी मिलेगी तब भी आपको यहाँ पर एंजल्स आपको मैसेज देंगे, यही रहेगा। और मतलब मैं एक इंट्यूशन से ज़्यादा मैसेज को पिक करती हूँ, तो अगर आप उस चीज़ पर बिलीव करते हो, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेज है मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल्स? क्या मैसेज है, क्या मैसेज है एंजल्स? क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए? प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। टू कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ एयर रिलेशन का और वाटर मैजिक। मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। ओके, एयर मैजिक, मैजिक के टू कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। ओके, सन एंड स्टार्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, ये थ्री कार्ड्स से, थ्री कार्ड्स नहीं लेंगे एंजल्स, हम टू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, टू कार्ड्स आए हैं, सीजर आर्मिस्ट का एंड मेडिटेशन क्रिएटिविटी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो कार्ड आपको शो हो रहे होंगे, आई होप, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस मैसेज निकल के आ रहे हैं, डिफरेंस लोगों के लिए। प्लीज़ आप अपनी सिचुएशन से मैसेज को लेना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी ये। और जो आपको मैसेज मिलते हैं उसको आप फॉलो करते हो तो वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट ज़रूर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। एंजल्स आपको मैसेज यहाँ पर अभी ये दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको वो ये बताना चाहते हैं कि आप है ना एक मैजिशियन हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत एक कहते हैं ना एक करेज है, एक बहुत अपनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से आप संभाल के रख सकते हो। आपके अंदर बहुत साहस है, बहुत मतलब एक अंदर इतनी आपके अंदर ऐसी पावरफुल सोल है जो हर चीज़ को करने के लिए रेडी है, ठीक है। एंजल्स आपको यहाँ पर ये भी बता रहे कि आप बहुत, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब एंजल्स ये गाइडलाइंस दे रहे हैं अभी आपको कि आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्शन बनाने की, रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है कि आप जितना नेचर से कनेक्शन बना पाओगे, जितना नेचर में रहोगे उतना अपने आप को हील कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि आप है ना मतलब अपनी चीज़ों को बाहर लेके आओ, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप हर वो काम कर सकते हो जिसे आप बहुत बड़ा समझते हो, बहुत बड़ा मानते हो या नामुमकिन समझते हो आप कि ये मेरे से नहीं होगा।
देखो जैसे ये कार्ड्स में ये लेडी कैसे मतलब एक हवा चल रही है, लेकिन फिर भी कितनी स्ट्रांगली खड़ी है, अपने लिए स्टैंड ले रही है। वो अपना काम मतलब पूरी शिद्दत से ईमानदारी से वो वहाँ पर कर रही है। उसको किसी चीज़ की मतलब किसी तरह का वो उसके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है कि मैं यहाँ से मुझ मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं अपने काम को अपने वर्क को कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना जो काम आप कर रहे हो उसको बखूबी आप करते जाओ। ठीक है, सिचुएशन आपके रास्ते में बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप अपना काम इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी या मुश्किल है मेरे लिए, तो एंजल से बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मतलब कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, नॉर्मल सा कुछ कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ नया करने की यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। जो आप ऐसा लगता है आपको कि ये मैं नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, वो चीज़ें आपको यहाँ पर एंजल्स आपको करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक हीलर भी हो सकते हो। बहुत इजीली आप पानी में एक इंटेंशन डाल के आप उस पानी को मतलब चार्ज करके उससे आप हीलिंग आप अपनी भी कर सकते हो या दूसरों की भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप जितना नेचर से कनेक्शन बनाओगे या बनाते भी हो आप, उतना ही आप अपने आप को हील करोगे। ठीक है, ताकि आपके अंदर की जो आपके अंदर एक मैजिशियन है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, पानी के साथ रह के कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एंजल से बोल रहे हैं कि जितना ग्राउंडेड रहोगे आप, उतनी आपकी जो कैपेसिटी है ना वो और बढ़ती जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, नदी, झील, तालाब, इनके मतलब इनके साथ जितना अच्छा कनेक्शन आप बना पाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो उनकी जो एनर्जी होगी, आपको उनसे वो चीज़ें रिसीव करनी है ताकि आप अपने आप को चार्ज कर सको। ठीक है, आप अपने लिए कुछ भी मतलब आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को चार्ज कर सकते हो। एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं बस करना क्या है, अपने आप को आपको जानना है, समझना है। थोड़ा मुझे यहाँ पर आपका वेट बहुत, एंजल्स बोल रहे हैं कि वेट आपका बहुत बढ़ रहा है, तो उसको आपको कम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे आप बहुत प्रीटी हो, बहुत सुंदर हो आप, आपको आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, आपकी आपको लॉन्ग वन पीस पहनना बहुत पसंद है, लॉन्ग ड्रेसेस, गाउन वगैरह आपको काफ़ी आपके ऊपर सूट भी करता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी मतलब एक खाली टाइम में भी एंजल्स बोल रहे हैं कि जितना आप पानी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, उससे अपने आप को चार्ज करोगे, उतनी ही आप अपनी एनर्जी में यहाँ पर आओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बुक्स रीड्स करने के लिए भी बोला जा रहा है। एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने लिए बुक रीड्स भी कर सकते हैं ताकि आप उसको और नॉलेज ले सको। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें एक कहते हैं ना स्ट्रेटजी आपको बनाने की ज़रूरत है, उस काम को टाइम देने की ज़रूरत है, उस पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, उसे पूरा करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि इसका उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो एंजल्स बोल रहे हैं
वो उसका रिजल्ट कुछ भी निकले, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आ रहा है आपकी तरफ, बहुत मतलब आपकी तरफ सक्सेस को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, वो चीज़ें भी आ रही हैं। लाइफ में अप डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं अभी उसको इंजॉय करो, ठीक है। उसको आपने कुछ कुछ अभी काम किया है, उसकी उसकी रिजल्ट जो भी आए हैं, देखो कुछ भी हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट देखो कम होता है, ज़्यादा भी होता है, कम ज़्यादा होता ही रहता है। तो जो भी मिल रहा है उसे आपको इंजॉय करने की ज़रूरत है। क्रेडिट आपको चाहे इतना सा ही क्यों ना मिल रहा हो, उसको भी आपको सेलिब्रेट करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं इस कोई भी काम है आपका, मुझे ऐसा लगता है आपको गार्डनिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। नेचर से, अर्थ गाया से आप अपने आप को हील कर सकते हो, ताकि आप अपनी जिस काम को कर रहे हो उसमें और आपको एनर्जी मिल सके, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको एनिमल्स आपके बहुत नज़दीक रहते होंगे, काफ़ी कनेक्शन है अच्छा यहाँ पर है एनिमल्स के साथ आपका, और उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना आप धूप पानी और नेचर से जितना कनेक्शन आप अच्छे से बना पाओगे, उतना आप अपनी अंदर की चीज़ों को बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है। और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ना सोचे कि ये तो मेरा एक छोटी सी एक चीज़ें हैं, क्या इसे शेयर करूँ, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सभी के अंदर भगवान ने बहुत अच्छी खूबियाँ दे रखी हैं। अगर आप उस पर काम करते हो, वर्क करते हो, उसमें आपको धीरे धीरे सक्सेस ज़रूर मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लेके आते हो, तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं आप अपनी एनर्जी को बैलेंस भी कर पाते हो। आप इस चीज़ को ये मत सोचो कि ये तो चीज़ मेरे अंदर बहुत छोटी सी है, या फिर दूसरों की तो बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो अंदर है, अपने अंदर है, उसको आप खुद को खुश रहो उसके साथ, और अपने आप को अप्रिशिएट आपको करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आप पेंटर हो सकते हो, हाथों से आप बहुत सारी चीज़ों को आप इस तरह से कर सकते हो कि आप ना शायद दूसरों के साथ, किसी के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी अंदर के डर को निकालो, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेके आने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों के साथ मुझे टाइम नहीं है या समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटा सा कहते हैं ना मंत्र भी आप लिख सकते हो, कुछ भी छोटी से छोटी क्रिएटिविटी भी आप कर सकते हो, जिससे आपको आप अपने आप को जान पाओ, अपने आप को यहाँ पर समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पर ये जो कहते हैं ना क्रिएटिविटी क्या होती है, ये हमारे अंदर की एक ऊर्जा होती है, ठीक है। फायर एनर्जी होती है, पैशनेट एनर्जी होती है। तो उससे जब तक आप रूबरू नहीं होगे, तब तक आप अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे। और आप अपनी क्रिएटिविटी को, एंजल से बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी को आप अपनी एक मैजिशियन हो आप, ठीक है। तो मैजिशियन क्या होता है कि जो चीज़ें वो करना चाहता है वो मतलब मैनिफेस्ट करके कर ही लेता है वो, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको धूप और हवा में रहने की ज़रूरत है। जितना आप हवा को कहते हैं ना एयर, हमारी लाइफ में मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं है। हर एंजल्स बोल रहे हैं कि हर सांस के साथ आपको उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना है जो आपको नेचर से मिली है, ठीक है। आप अपनी चीज़ों के साथ भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको हवा को नेचर में जाके
उनके साथ एक कनेक्शन बनाना है ताकि आप अपनी चीज़ों को बाहर लेके आ सको, ठीक है, उसको प्योर कर सको, अपने आप को प्योर कर सको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा वरी होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। जितना अच्छा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है आपका, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स मतलब काफ़ी टाइम आप नाइट में ज़्यादा निकालना पसंद करते हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सूर्य की एनर्जी, जैसे यहाँ पर जैसे ये धूप और पानी हवा, ये सारी चीज़ों को आप जितना नज़दीक रहोगे उतना अपने आप को जान पाओगे, समझ पाओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको सूर्य, सन और स्टार, इनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब आपको सन की एनर्जी में भी उतना ही रहना है और मून की एनर्जीज में भी उतना ही रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सारी चीज़ों का आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है जो सूर्य के जरिए हमें मिलती हैं। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर रहना बहुत नामुमकिन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को आपको जानने और समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप यूनिवर्स से आप अपना कनेक्शन बना पाते हो उतना आप अपने आप को जान पाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बैलेंस लग रही है, काफ़ी इंटरेस्ट है आपका उन सब चीज़ों में, नाइट में मतलब मून को देखना, स्टार्स को देखना, और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हील होते हो, काफ़ी मतलब उन सब चीज़ों के लिए एक जागरूकता है आपके अंदर। तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि ये जो आपका ये इंटरेस्ट है, ये जो सारी चीज़ों का जानना है, समझना है, लेकिन उसका धन्यवाद भी आपको देना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इन सब के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो एंजल्स आपको इन सब चीज़ों के लिए यही मैसेज दे रहे हैं अभी, पानी नेचर के साथ आप अपने आप को हील करना है, कुछ भी कर रहे हो उसके लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। आप जीवन में बहुत मतलब उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका जो भी फल मिल रहा है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका जो भी फल आपको मिल रहा है, उसको खुशी खुशी आपको लेना है। बहुत आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको कुछ नया करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं टैरो से 3 कार्ड्स और निकालूंगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। आपको यहाँ पर नेचर से ज़्यादा कनेक्शन बनाना है, पानी, झील, तालाब, ठीक है, हवा, पानी, ठीक है, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आ सको, अपनी पावर में आ सको, और मतलब आपको कुछ नया करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स से, आपको कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एंजल्स आपको पूरा मैसेज दे रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर दो चीज़ों में आप अटके हुए हो तो ये इसलिए यहाँ पर मैसेज ये आया था, स्टार, सन और स्टार्स का, ठीक है, सन और मून। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जितना ये भी नेचर ही आया, जितना नेचर से आप कनेक्शन बना पाओगे उतनी चीज़ों को आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आप अपने बारे में जान पाओगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, अपने पावर में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंजल्स। ओके, वो 2 कार्ड्स लेंगे हम इसमें से। ओके, 4 आए हैं ये, 5 ऑफ सोर्ड्स का है और 10 ऑफ कप्स, ठीक है, और 3rd काफ़ी नाइट ऑफ कप्स।
तो यहाँ पर आपको एंजल्स मैसेज यही दे रहे हैं कि डेफिनेटली उन सब चीज अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, नेचर में कनेक्शन में जाके। मैजिशियन हो आप, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपका, और ठीक है। और एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी फैमिली में बहुत हर चीज़ वो बैलेंस है, सबकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बैलेंस लग रही है, चाहे आपके फ्रेंड्स की हो, चाहे आपकी मदर फादर की हो, चाहे आपके भाई बहनों की हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी हो। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्यार से मिक्सअप हो रहे हैं यहाँ पर, जो कि एंजल्स बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें थी जो एक टाइम था जो आप अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब बखूबी उन सब चीज़ों को आप संभाल रहे हो। कुछ जो सिचुएशन थी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उन्हें हैंडल करके आप आगे की तरफ भी बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई इंसान जो आपको छोड़ के चला गया था, कुछ इश्यूज हुए थे किसी के साथ, तो वो इंसान भी वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत हीलिंग उससे आ रहा है, ठीक है। बहुत प्यार से आपकी तरफ आ रहा है, आपकी फैमिली में आ रहा है। कोई पर्सन आपकी फैमिली में एंट्री करने वाला है, जो बहुत प्यारी इसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। अभी तक वो कुछ सिचुएशन थी ऐसी जो सोल्व नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल से बोल रहे हैं वो चीज़ें भी आपकी सोल्व होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये थे एंजल मैसेज, आई होप आपसे रेजोनेट हुए हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय। थैंक यू सो मच।